महाशिवरात्रि को लेकर भोलेनाथ की नगरी महादेवा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ भगवान लोधेश्वर का जल अभिषेक करने वाले और उनकी पूजा अर्चना करने वालों का तांता लग गया है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से जल अभिषेक करने के लिए रोजाना पहुँच रहे हैं। चारों ओर बम बम भोले जय जयकारा गूंज रहा है। साथ ही मंदिर के आसपास दुकानें सज गई हैं। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। महादेवा पहुंच रहे श्रद्धालु मंदिर परिसर के पास स्थित अभयारण्य में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए जलाभिषेक के लिए कतार में लगे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि महादेवा में प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ भारी पुलिस बल भी तैनात है। दरअसल बाराबंकी जिले का तहसील रामनगर में स्थित श्री लोधेश्वर महादेवा में शिवरात्रि पर्व पर हर साल मेला लगता है। शिवरात्रि को लेकर महादेवा में प्रदेश के उन्नाव, कानपुर, झांसी, उरई, जलौन, सीतापुर, बिठूर, हमीरपुर, बांदा, हरदोई, झांसी, सहारनपुर, लखनऊ समेत विभिन्न जिलों के साथ साथ कई दूसरे राज्यों से भी कांवड़ियों गंगा जल लेकर भगवान लोधेश्वर का जल अभिषेक करने आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर कांवरियों ने यह डेरा डाल दिया है। साथ ही मेला परिसर से दूर दूर तक दुकानें सज गई हैं। यहाँ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के जरिए अंदर भेजा जा रहा है। कतार में लगे श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। महादेवा मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन के महीने और शिवरात्रि पर यह जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह जलाभिषेक के लिए दूर दूर से लाखों की संख्या में शिव भक्त आते हैं। वही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महादेवा पहुंचे एसपी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि शिवरात्रि मेले को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 5 डिप्टी एसपी, 9 इंस्पेक्टर के साथ 500 महिला और पुरुष पुलिस कर्मी मेला परिसर में बराबर तैनात रहेंगे। इसके अलावा पीएससी बल, फ्लड कंपनी और अग्निशमन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही पूरे मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेला को सुकुशल पूर्ण कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव है और हम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर हर संभव कदम उठा रहे हैं। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।